ओम शांति। पत्रकारिता से अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नावली में आपका स्वागत है। समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है बॉडी, इंट्रो, समापन, शीर्षक। अब इन चारों में से आपको बताना है कि समाचार का प्रवेश द्वार कौन है, बॉडी है, इंट्रो है, समापन है या शीर्षक है। तो देखिए, अच्छा शीर्षक से ही हम पहचानते हैं, समाचार के विषय में जानकारी होती है, तो इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु किसे माना जाता है, कथानक, संवाद, देशकाल या कथोपकथन। अब ये कथानक, संवाद, देशकाल और कथोपकथन में कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, किस पर कहानी पूरी टिकी होती है, उसे हम सर्वप्रमुख बिंदु मानेंगे। तो आप इन चारों में से सोच कर बताइए, क्योंकि कहानी में देशकाल त्रय भी होता है, लेकिन चारों में से आपको बताना है। तो कथानक जो होता है वो किसी भी कहानी का सबसे प्रमुख बिंदु होता है, और कथानक से ही पूरी कथा का विकास होता है। तो कथा का विकास आधारित होने के कारण कथानक को कहानी का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। अब अगला देखिए, संवाददाताओं के भीतर कौन सा गुण होना चाहिए, निर्भीकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सभी। तो देखिए, निर्भीकता माने किसी से डरे नहीं, सही बात लिखें। सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति जिम्मेदार हों, जो सही हो वही लिखें। और निष्पक्ष हो, दो वर्गों में कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो दोनों की बात लिखें, इसे एक तरफ ना झुकें। तो ये सभी गुण होने चाहिए एक अच्छे पत्रकार में, और जब ये सभी गुण होंगे तभी वो एक अच्छा पत्रकार बन सकता है, नहीं तो उसे बायस्ड होगा, किसी के प्रति पक्षपात करेंगे जो कि समाचार के लिए उचित नहीं। तो इसे ध्यान दें सभी लोग। अब कई समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पत्रकार को कहते हैं। ऐसा पत्रकार जो कई समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करे, पूर्णकालिक, फ्रीलांसर, विशेष संवाददाता या अंशकालिक। विचार देखे हैं, पूर्णकालिक, फ्रीलांसर, विशेष संवाददाता और अंशकालिक, इन चारों में से चुनना है तो मुझे लगता है आप लोगों ने चुन लिया होगा। फ्रीलांसर जो पत्रकार होते हैं वो कई समाचार पत्रों में काम करते हैं और उनसे काम के बदले में वेतन प्राप्त करते हैं, तो इसका सही उत्तर है फ्रीलांसर। इसे याद रखें, बोर्ड में भी कई बार आ चुका है और अनेक परीक्षाओं में भी पत्रकारिता से जुड़े कई बार आया है। किसी विशेष क्षेत्र के रिपोर्टर को किस नाम से जानते हैं, एंकर, ड्राई एंकर, बीट रिपोर्टर, कोई नहीं। तो आप देखिए, जो बीट रिपोर्टर होते हैं वो एक विशेष क्षेत्र के संवाददाता होते हैं, माने जैसे किसी का बीट विज्ञान है, किसी की पत्रकारिता है, पत्रकारिता या शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट के विषय में लिखेगा, इसी को बीट रिपोर्टर कहते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, संपादकीय पृष्ठ पर किसी स्थापित रचनाकार के द्वारा लिखा गया लेख क्या कहलाता है, लेख, स्तंभ लेख, टिप्पणी, पाठक मंच। तो संपादकीय पृष्ठ पर किसी स्थापित माने बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार द्वारा, संपादकीय के अलावा जो लेख होता है उसे हम स्तंभ लेख कहते हैं, और ये हर समाचार पत्र में होते हैं और किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं। तो स्तंभ लेख जो होते हैं वो किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं, जिसमें जन जागरूकता फैलानी हो अथवा लोगों की समस्याओं को रेखांकित करना हो, इसके बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो बहरहाल ये स्तंभ लेख बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ पर दो ही विकल्प हैं आपके लिए, चुनाव बहुत आसान है, 15 सितंबर 1959 ईस्वी या 1 सितंबर 1959 ईस्वी, इन दोनों में से चुनना है। तो 15 सितंबर याद रखें, 15 सितंबर 1959 ईस्वी को ही यह पुनीत कार्य प्रारंभ हुआ था और भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में, धीरे धीरे एक एक बिंदु पर आगे बढ़ रहे। कौन ककार का भाग नहीं है, क्या, कौन, कहां, वहां। तो देखिए, ककार होते हैं क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। इसमें आपने देखा कि वहां नहीं है, इसलिए वहां जो है ये ककार का भाग नहीं है। तो ककार है क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए, समाचार घराना कौन सा नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, वाशिंगटन पोस्ट, माइक्रोसॉफ्ट। अब इन सबसे बताना है कि इसमें तीन जो है समाचार घराने हैं जो कि समाचारों को प्रस्तुत करने में अपनी वैश्विक लीडरशिप रखते हैं,
तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें समाचार घराना नहीं, अभी बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन यह समाचार घराने की तरह से काम नहीं करती है, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है। अब कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या किस भाषा के साथ सबसे ज़्यादा आती है, अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन या रशियन में? तो आप देखिए, हिंदी में जो टाइपिंग की समस्याएं हैं आज भी बरकरार हैं और हम लोग उसका पूरी तरह से निदान नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि बहुत कुछ प्रगति हुई है। तो हिंदी के साथ ही कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या है और इस पर लगातार काम चल रहा है। 1845 ईस्वी में जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल या कलर टेलीविज़न? तो इन चारों में से आपको बताना है कि जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था। जिन लोगों को पता चल गया है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, बहुत अच्छा भाई, रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। ये जीके का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे याद रखें। आज़ादी के बाद के पत्रकार नहीं, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, गणेश शंकर विद्यार्थी, मनोहर श्याम जोशी। तो जो मनोहर श्याम जोशी जी थे, ये तो थे, गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं है, ये कानपुर के दंगों में मारे गए थे और ये स्वतंत्रता पूर्व के पत्रकार हैं। सन 1400-1468 ईस्वी के बीच चल टाइप का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी, जेलबर्ट, गुटेनबर्ग या चीनियों ने किया था? आपको सोच के बताना है कि जो चल टाइप था वह आविष्कार किसने किया, और इसी चल टाइप में दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक बाइबल छापी गई थी। मुझे लगता है कि पढ़ने वाले छात्रों ने इसे ज़रूर पकड़ लिया होगा। गुटेनबर्ग थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ही चल टाइप का आविष्कार किया और इन्हें ही छपेखाने का आविष्कारक माना जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ वो कौन सा है, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता या न्यायपालिका में से कौन सा? लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं और चारों में जो चौथा स्तंभ माना जाता है, देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक तरफ है और पत्रकारिता जो है वह चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। और अगला प्रश्न है, किसने कहा 10 लाख संगीने मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार करते हैं? 10 लाख संगीने मेरे भीतर वह खौफ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार करते हैं। तो यह कोटेशन आपके निबंध के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे फ्रांस के जो सेनानायक थे नेपोलियन, उन्होंने कहा था कि 10 लाख संगीने मेरे भीतर वह खौफ नहीं पैदा करती जो 3 छोटे अखबार मिलकर करते हैं। तो आपने देखा, अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक फैक्ट है कि संपादक मंडल जहाँ पर बैठकर काम करता है उसे स्थान पर डेस्क कहा जाता है।